नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाएंगे। ये बहुत ही सुंदर पौधा है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है। इसको कॉइन प्लांट भी बोलते हैं, गोल गोल पत्तियाँ इसकी होती हैं और पेनी वर्ल्ड भी इसका नाम है, चाइनीज़ मनी प्लांट भी इसे कहते हैं। ये पौधा बहुत सुंदर लगता है, हैंगिंग बास्केट में भी मैंने लगाया हुआ है और गमले में भी ये बहुत सुंदर लगता है। इस एक छोटे से गमले में लगे हुए पौधे में बहुत सारे पौधे साइड से नए उग रहे हैं, तो मैं उन सबको अलग कर रही हूँ क्योंकि ये छोटा गमला और इसमें एक पौधा अच्छे से ग्रो हो सकता है। अगर ये सारे एक साथ ग्रो होंगे तो फिर इसमें नहीं चल पाएंगे और इससे मेरे बहुत सारे पौधे भी बन जाएंगे। ये काफ़ी महंगा आता है पौधा, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है। ऐसी जगह इसको रख सकते हैं जहाँ अच्छी लाइट या फिर एक आध घंटे सनलाइट आए। तो आपको पता ही है इंडोर प्लांट्स कितने महंगे आते हैं, तो हमारे इस छोटे से पौधे से हम आज 5-6 पौधे बना लेंगे। और गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा अच्छा तभी लगता है जब फ्री में हमारे नए पौधे तैयार होते हैं। तो ये एक पौधा आप देखिए कितने सारे पौधे तैयार करेगा। तो अभी देखिए मैं किस तरह से इनको निकालती हूँ। पहले मैं इस पौधे को निकाल लूँगी। और ये पौधा कोकोपीट कंपोस्ट में ही लगा है, इसमें मिट्टी नहीं यूज़ किया मैंने। छोटा गमला है, इसी में बहुत अच्छे से बढ़िया चारों तरफ से प्लांट निकल रहे हैं छोटे छोटे। और अगर मैं इसमें इनको अलग करूँगी तो उनमें से भी फिर इसी तरह से पौधे बनेंगे। तो कितने सारे पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो अगर मैं इसमें रहने दूँ, इसको किसी बड़े गमले में लगा दूँ तो भी अच्छा लगेगा, घना होता जाएगा क्योंकि चारों तरफ से प्लांट निकल रहे हैं। लेकिन अभी बड़ा गमला नहीं है मेरे पास, तो मैं छोटे में इसको रखना चाह रही हूँ। इसीलिए इसके जो छोटे चारों तरफ से जो प्लांट निकल रहे हैं उनको मैं अलग कर लूँगी। देखिए इस तरह से छोटे छोटे प्लांट इसमें साइड से निकल रहे हैं, कुछ बड़े भी हैं इससे। तो उन सभी को मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं अलग अलग गमले में इनको लगा दूँगी। और जो मेन प्लांट है उसको मैं उसी में रहने दूँगी ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से उसी में होती रहे। तो इस पौधे को मैं इसी में लगा दूंगी और इसमें और थोड़ी मिट्टी डाल दूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और जो बाकी के हमारे प्लांट हैं उनको मैं अलग अलग गमलों में लगा लूंगी। देखिए दोस्तों, हमारे ये 6 पौधे अलग अलग मैंने कर लिए हैं और सभी में रूट्स बनी हुई हैं, तो बहुत आराम से ये हमारे बिल्कुल चलना स्टार्ट हो जाएंगे। कितने सुंदर लग रहे हैं, छोटे बड़े दोनों तरह के हैं। तो अभी मैं छोटे वालों को तो पड़ों के साथ ही लगा दूंगी और इनको गमलों में लगा देती हूँ। तो हमारे सुंदर से गमले तैयार हो जाएंगे सुंदर पौधे के साथ। बहुत सुंदर लगता है ये पौधा जैसे बड़ा होता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक से ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस पौधे का ज़्यादा कुछ हमें ध्यान नहीं रखना है, इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ अच्छी लाइट मिलती रहे इसको, और पानी तभी देना है जब इसकी मिट्टी सूख जाए। जब इसकी मिट्टी बनाते हैं उसमें कोकोपीट थोड़ी ज़्यादा लीजिए और थोड़ा सा कंपोस्ट मिक्स कीजिए, थोड़ी सी मिट्टी उसमें ऐड कर लीजिए और पानी तभी दीजिए जब मिट्टी बिल्कुल अच्छे से सूख जाए। ये पौधा अगर थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो जाता है तो इसकी पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये कॉइन प्लांट आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। इसको आप बास्केट में लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं और इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय। जय सियाराम।